हेलो सर, मेरा नाम विजय है। जैसे कि आपको मालूम ही है भाई, मैं रहता हूँ दुबई में। आप में से बहुत सारे व्यूअर्स की रिक्वेस्ट आती है कि दुबई में बेस्ट जगह कौन सी है लैपटॉप्स को बाय करने की, बिकॉज बहुत लोग दुबई में एज अ टूरिस्ट आते हैं। बहुत सारे मेरे व्यूअर्स दुबई में रहते हैं, तो भाई मैंने बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करा कि कहाँ से आप बेस्ट लैपटॉप्स ले सकते हो। मैं अभी ठीक सामने वाली बिल्डिंग से आ रहा हूँ, विच इज़ द जंबो बिल्डिंग। ये भाई लैपटॉप सेल करते हैं, बट ये पावर रिटेलर्स हैं, तो ये ऑफिशियल MRP पे सेल करते हैं। जो बेस्ट प्लेस मुझे लगी वो मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आपको यहाँ पर आना कैसे है। तो सामने आप देख सकते हो शराफ डी जी मेट्रो स्टेशन है। जैसे ही आप यहाँ से बाहर निकलते हो, आपके सामने ये 80 लाख वाली बिल्डिंग, ये CBD बैंक वाली बिल्डिंग आएगी। उसके पास वाली जो बिल्डिंग है, दैट इज कॉल्ड कंप्यूटर प्लाजा, अलेन सेंटर शॉपिंग प्लाजा। यहाँ पर भाई खजाना छुपा हुआ है लैपटॉप्स का, जहाँ पे तमाम दुकानें हैं, जहाँ पे जो बेस्ट प्राइस प्रोवाइड करा रही है शॉप, वहाँ पे मैं आपको लेके चलता हूँ। आइए मेरे साथ। तो यहाँ गेट से आप अंदर आए और ये है कंप्यूटर केयर शॉप। यहाँ पे मैं बहुत टाइम से इनसे लैपटॉप्स ले रहा हूँ, 4 साल हो गए लगभग मैं लैपटॉप्स की वीडियो बना रहा हूँ। और मैं यहाँ पे मिलता हूँ भाई विशाल भाई से। विशाल भाई को माइक ऑलरेडी पहना दिया है, आपको आवाज़ इनकी लाउड एंड क्लियर आएगी, बिकॉज ये धीरे धीरे बात करते हैं। तो हमारे साथ है विशाल भाई। विशाल भाई, मैं ना फर्स्ट टाइम ऐसे कोई लैपटॉप की वीडियो बना रहा हूँ, बिकॉज बहुत सारी रिक्वेस्ट आती है कि भाई लैपटॉप कहाँ से खरीदा जाए दुबई में, बेस्ट प्राइस में कहाँ पे मिलेगा, सबसे बढ़िया बात ट्रस्टेड स्टोर होना चाहिए। करेक्ट, फर्स्ट टाइम बना रहा हूँ एंड आपके साथ बना रहा हूँ। हमारे जो व्यूअर्स हैं वो बहुत सारे टूरिस्ट भी हैं जो दुबई आते हैं, स्पेशली आईफोन का सीजन आने वाला है, तो आईफोन परचेस करने आएंगे तो लगे हाथ आपसे लैपटॉप भी ले जाएंगे। आपका भी फायदा, व्यूअर्स का भी फायदा, और ये जो पीछे भाई खड़े होकर हंस रहे हैं, इनको भी कैमरे मिलो, आपका ही फायदा होगा। आपको प्रिंटिंग के लिए लैपटॉप देता है ना ये? जी, चलो तो स्टार्ट करते हैं भाई लैपटॉप्स के साथ में। हम सारे 14 जनरेशन वाले लैपटॉप्स लेंगे, 13 जनरेशन में अपने व्यूअर्स को रेकमेंड नहीं करता हूँ। एक और बात वीडियो बनाने से पहले क्लियर कर दूँ कि ये जो सस्ते वाले लैपटॉप्स होते हैं ना, HP की नोटबुक सीरीज हो गई, डेल की इंस्पिरॉन 3000 सीरीज हो गई, या फिर लेनोवो की IdeaPad सीरीज हो गई, ये आप इंडिया से ही ले लो, यहाँ पर कोई प्राइस डिफरेंस नहीं मिलता। टू बी वेरी ऑनेस्ट, 4-5 हज़ार का डिफरेंस है, उसमें क्या लेके जाओगे भाई लैपटॉप लाद के और टेंशन लेके जाओगे। तो जो महंगे वाले लैपटॉप्स हैं, HP स्पेक्टर हो गया, NV हो गया, डेल का इंस्पिरॉन 7000 सीरीज हो गया, XPS हो गया, वो यहाँ पे डिफरेंस क्रिएट करेंगे। उन्हीं लैपटॉप्स के बारे में आज बात करेंगे। सबसे पहले उसको नजर डालते हैं HP की NV सीरीज के ऊपर, जिसका प्राइस मेरे को इनका बहुत ज्यादा अच्छा लगा। जहाँ पे हमारे पास में इसका कोर 7 वाला वर्जन है, विच इज कमिंग विद 16 GB रैम, 512 SSD एंड विंडोज 11 होम, इंटेल का आयरिस XC ग्राफिक है, और ये भाई कन्वर्टेबल 360 डिग्री वाला लैपटॉप है। एज यू कैन सी, मैंने इसका रिव्यू भी किया था, कोपायलट की के साथ में आता है, मेटल बॉडी है, बहुत ही प्रीमियम लैपटॉप है। इसका इंडियन प्राइस अप्रॉक्सीमेटली 90,000 to 1 lakh इंडियन रुपीज है। ये वाला विशाल भाई, यहाँ पे आप क्या प्राइस में प्रोवाइड करा दोगे? नॉर्मली जो हम लोग तो स्पेशल प्राइसिंग प्रोवाइड करते हैं, जैसे आप देखेंगे आउटसाइड जो मार्केट रहती है, मार्केट में आप अराउंड 4,000 to 4,500 प्राइसिंग है, बट ये मैं आपको ओनली 2950 में दे दूंगा, ओनली 2950 दिरहम्स। और दुबई में ये वेट इंक्लूडिंग है, वेट इंक्लूडिंग प्राइस, उसके साथ बैग और माउस भी फ्री दे दूंगा। तो जो हमारे टूरिस्ट आएंगे उनकी जानकारी के लिए बता दूं, आपको वैट रिफंड भी मिल जाएगा, विच इज 5%, तो वो आपको लगभग 120 to 140 dirham इस लैपटॉप के ऊपर बचत और हो जाएगी। इंडिया में दोस्तों ये मशीन 80,000 की है, काफी सटीक प्राइस है। यहाँ पे इंडिया के कन्वर्ट करते हो तो ओनली 50,000 हुए, एज आई ऑलरेडी सेड, जो NV सीरीज है, स्पेक्टर सीरीज है, हाई एंड सीरीज है, उसमें आपको बचत मिलने वाली है। तो विशाल भाई का नंबर भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल के दे दूंगा, आप डायरेक्टली उनसे इंडिया से ही कॉन्टेक्ट करके आ सकते हो, और अगर दुबई में रहते हो तो बहुत सही बात है, आप डायरेक्टली होम डिलीवरी वगैरह भी पा सकते हो कंप्यूटर के स्टोर के द्वारा। मैं होम डिलीवरी मंगवाता हूँ वैसे इन लोगों से। बात करते हैं HP स्पेक्टर की, तो विशाल भाई इसमें क्या कुछ अवेलेबल है और क्या प्राइस है इसका? ये है प्रीमियम सीरीज HP स्पेक्टर, लाइक यू कैन से बिजनेस मॉडल होती है, या नॉर्मल यूज भी आप कर सकते हो,
इसकी जो क्वालिटी वाइज बिल्ट अप क्वालिटी है फुली मेटल है एंड नया लेटेस्ट प्रोसेसर के साथ 14 जनरेशन अल्ट्रा 7 है 16 एच सीरीज वाला है उसमें यू सीरीज था यस तो इसमें ज्यादा कोर्स एच जो सीरीज रहती है वो काफी अच्छी रहती है एकदम फास्ट और हैवी प्रोसेसर रहता है एंड इसके साथ 16GB रैम एंड 1TB SSD के साथ है एंड टच एंड OLED स्क्रीन है इसमें एक और वर्जन मैं देख पा रहा हूं 32GB एंड 2TB वाला करेक्ट वो भी अवेलेबल है इसमें काफी सारी वेरिएंट्स है तीन तरीके के वेरिएंट्स है इसमें 16 इंच भी आता है बड़ा साइज ओके ये वाला हां ये 16 इंच है ओके और ये 14 और ये 13.3 तो तीनों वर्जंस का प्राइस बता दो यहां पर वैसे जो इसका मार्केट प्राइस है 7300 प्राइस है ऑफिशियल प्राइसिंग बट मैं आपको ओनली दे दूंगा 4700 इंक्लूडिंग टैक्स ओके और साथ में कुछ साथ में बैग और माउस अच्छी क्वालिटी का दोगे बेटर HP ओरिजिनल अच्छा बाकी कस्टमर्स पूछते हैं कि इंटरनेशनल वारंटी क्या इन मॉडल्स में हमें मिलती है मिल जाएगी आप लिख के दोगे इनवॉइस पे यस वारंटी नहीं आएगी ना हमारे कस्टमर्स को कुछ नहीं होएगा कुछ नहीं होएगा चलो ठीक है वैसे इसके बारे में दोस्तों आपको बता दूं HP Spectre जो सीरीज है ना एनवी से किस मामले में बेहतर है फर्स्ट ऑफ ऑल ये इंटेल ईवो सर्टिफाइड रहता है सेकंडली यहाँ पे जो स्पीकर्स है क्वाड स्पीकर्स है जैसे कि आप नीचे की तरफ देख सकते हो इसका जो कैमरा है भाई मैंने अपनी रिव्यू वीडियो में बताया था आज तक का जितने भी मैंने कैमरे टेस्ट करे ना ऑन विंडोज लैपटॉप ये बेस्ट कैमरा है बिकॉज 9 मेगापिक्सल का हाई रेजोल्यूशन कैमरा है ये वाला ये एच सीरीज के साथ में आता है 16 कोर्स है इसके अंदर गेमिंग लेवल की आपको परफॉर्मेंस प्रोवाइड कराएगा इसके अंदर इंटेल का आर्क ग्राफिक है कंपेयर टू आईरिस XT ऑन द HP एनवी अगर आप थोड़ा सा बजट बढ़ा सकते हो विशाल भाई ने इसका प्राइस दिया 4700 रियली गुड 1 लाख होता है इंडिया में 1,65,000 की मशीन है विद द सेम स्पेक्स तो जो स्पेक्स है भाई काफी तगड़े दे के रखे हुए हैं विद द HP Spectre तो ये 2 14th generation वाले लेटेस्ट 2-in-1 कन्वर्टेबल टच स्क्रीन लैपटॉप हमने कर दिए फ्रॉम HP अब यहाँ पे चेक करते हैं डेल का कौन सा दिखाना चाहोगे विशाल भाई अपनी जो पसंद है वो दिखा दो लेकिन 14th generation होना चाहिए लेटेस्ट बिकॉज हम सारे 14th generation दिखाएंगे आज इस वीडियो में डेल में है अपने पास XPS डेल का लेटेस्ट XPS स्लिम एंड लाइट वेट मशीन एकदम प्रीमियम मशीन वाओ जो आपको इसके जैसी मशीन कहीं नहीं मिलेगी 14th generation यस तो इसमें दोस्तों आपको डेल XPS मिल जाएगा यहाँ पर इसका क्या प्राइस रहेगा इसका जो प्राइसिंग है वैसे MRP प्राइसिंग एज अ स्पेसिफिकेशन 32GB रैम एंड 1TB SSD एंड OLED स्क्रीन है मार्केट प्राइस 11,500 है मैं आपको दे दूंगा ओनली 7,900 ओह वाओ ये प्राइस दोस्तों काफी अच्छा है विद द 32GB ऑफ रैम और जो इसकी मेन हाईलाइट है सेम अल्ट्रा 7 प्रोसेसर है एच सीरीज वाला यहाँ पर भी है वो है इसका कीबोर्ड दोस्तों ये एकदम सिमेट्रिकल कीबोर्ड के साथ में आता है जहाँ पे इनविजिबल ट्रैकपैड मिलता है हमें ग्लास का पूरा डेक एरिया बनाया गया है बहुत ही स्लिम एंड लाइट वेट है मुझे पर्सनली HP Spectre ज़्यादा अच्छा लगता है टू बी वेरी ऑनेस्ट ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड स्टेटमेंट है डेल वालों को शायद अच्छा नहीं लगे लेकिन ये वाला जो लैपटॉप है थोड़ा सा मुझे ओवर प्राइस जरूर लगता है इंडिया के कंपैरिजन में आपको फिर भी सस्ता मिल जाएगा ये था डेल का XPS लेनोवो में क्या दिखाना चाहेंगे लेनोवो में लेटेस्ट और एसोस में लेटेस्ट भी दिखा सकते हो एसोस काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है आज की डेट में हमारे पास अभी नया है लेटेस्ट ASUS ZenBook जो है आपके पास 14 जनरेशन के साथ आएगा 16GB रैम एंड 1TB SSD इसमें भी हमारे पास में एच सीरीज वाला है दोस्तों यस विद OLED टच है बट 360 नहीं है ओके ये 180 नहीं है बस 180 डिग्री तक जाता है इसका है ASUS नया 14 जनरेशन अल्ट्रा इसका क्या प्राइस रहेगा इसका जो नॉर्मली प्राइसिंग आप चेक करोगे MRP प्राइसिंग अराउंड 4000 के आसपास 4200 के आसपास आता है 4200 MRP प्राइस मैंने 5000 परचेस किया था यहां से हां ड्रॉप कर दिया प्राइस अभी कितने का ड्रॉप हो गई मैं आपको ओनली 3800 आपको मैं स्पेशल प्राइस दे दूंगा आपको ओनली भाई मेरा 1200 दिरहम का नुकसान करा दिया मैंने 2-3 महीने पहले ये परचेस किया था यहीं से परचेस किया था 5000 का आज की डेट में प्राइस बहुत ज्यादा अच्छा हो गया दोस्तों और ये भाई OLED डिस्प्ले के साथ में आता है 180 डिग्री मिलिट्री ग्रेड सर्टिफाइड लैपटॉप है काफी सही लैपटॉप है ASUS का और इसका जो इंडियन प्राइस है 1,20,000-30,000 रुपीज के आसपास का है 80,000 का आपको यहाँ पे मिल रहा है अच्छी खासी सेविंग है टच भी है साथ में जी टच स्क्रीन भी है ये दोस्तों बट 360 नहीं है जी तो मिलिट्री ग्रेड सर्टिफाइड है हिंज काफी ज्यादा सॉलिड है इस वाले की हरमन कार्डन के स्पीकर्स हैं मुझे बहुत अच्छी लगती है साथ में इसके साथ भी आपको बैक एंड माउस भी मिल जाएगा सही है फिर तो आपकी और बचत हो गई अब बात करते हैं लेनोवो की तो लेनोवो में क्या दिखाओगे विशाल भाई लेनोवो नया योगा है योगा है यस यस योगा है ये रहा अपने पास ओके योगा से ही होगा We have the latest Yoga 7 दोस्तों ये 16 inch वाला भी है एंड आपके पास 14 inch वाला भी है इसमें कोर अल्ट्रा 5 है 16 inch वाले में कोर अल्ट्रा 7 है ये है टच एंड 360 स्पेक्स मैं आपको बता देता हूँ कैन आई ओके
तो यहाँ पर कोर अल्ट्रा 7 है विद द 16 GB वर्जन, 16 GB की रैम, 1 TB SSD, विंडोज 11 होम, कन्वर्टेबल X360 अगेन। तो सारे ही लैपटॉप सबने भाई कन्वर्टेबल X360 2-in-1 एंड 14 जनरेशन वाले कवर करें इस वाली वीडियो में। बैकलेट कीबोर्ड भी है यहाँ पर, और इसका जो 14 इंच वाला वर्जन है उसमें कोर अल्ट्रा 5 है। दोनों का प्राइस क्या होगा विशाल भाई? बेस्ट प्राइस देना एकदम, मतलब मजा आ जाए व्यूअर्स को। बेस्ट में बेस्ट प्राइसिंग मिलेगी इसमें। हाँ। जो नॉर्मल इसकी प्राइसिंग है 14 इंचेस वाली अल्ट्रा 5 की, इसकी जो ऑफिशियल प्राइसिंग है वैसे 3900 के आसपास मार्केट प्राइस है जो पावर रिटेलर्स देते हैं। ये सेम प्राइस में आपको दे दूंगा ओनली 2900 इंडिया के कन्वर्ट होते हैं 65,000 इंडियन रुपीस। इस प्राइस में आपको इंडिया में फ्लेक्स भी नहीं मिलता है, यहाँ पर योगा मिल रहा है। और आपको मालूम है योगा सही होगा, अच्छी सीरीज है कुल मिला के। और इसका जो 16 इंच वाला जो है वो एक बार में बेस्ट प्राइस बता दो। जो नॉर्मल प्राइसिंग है 5200 के आसपास है। ओके, ये आपको मैं 3700 के आसपास दे दूं। और कोई डिस्काउंट? 3600 आपके लिए, व्यूअर्स के लिए 3600 हो जाएगा दोस्तों। और इसके साथ में ये बैक माउंट हो गए, वेट रिफंड भी प्रोवाइड कराओगे। ऑल एंड ऑल आपको मान लो 3400 दिरहम का पड़ गया ये, तो इसका प्राइस बैठता है इंडिया के 80,000। ये इंडिया में 1,20,000 का है, 40,000 सेव आपको यहाँ पे करा दिए ओनली एट कंप्यूटर केयर दोस्तों, आप देख सकते हैं। और ये कोई पेड प्रमोशनल वीडियो नहीं है, ये ग्रेटिट्यूड वीडियो है और ये एक इन्फॉर्मेशनल वीडियो है जहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि आप दुबई में कहाँ से परचेस कर सकते हो। लोकेशन आपको बता ही दी, वेट रिफंड आप करा दोगे, इंटरनेशनल वारंटी आप करा दोगे, फ्री स्टफ बैग एंड माउस आप दे दोगे। बाकी एक और चीज, कस्टमर अगर कोई भी क्वेश्चन करता है आपसे तो भाई उनको रिप्लाई जरूर करना, बेटर हमेशा, राइट। इनका व्हाट्सएप नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मैंने मेजर ब्रांड्स के 14 जनरेशन लैपटॉप लिए इस वाली वीडियो में, बाकी आपको उसके अलावा भी ऑल इन वन वगैरह हैं यहाँ पर। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं ऑल इन वन वगैरह सजेस्ट नहीं करता हूँ इंडिया लेके जाना, बिकॉज इंडिया में भी ऑलमोस्ट सिमिलर प्राइस मिलता है। सस्ते वाले लैपटॉप मैंने आपको बता दिया, 30-40-50 हज़ार रुपीज़ वाले या 2,000 दिरहम वाले लैपटॉप आप यहाँ से मत परचेस करो, वो आपको इंडिया में सस्ते मिल जाएंगे अगर आप एज अ टूरिस्ट आ रहे हो तो। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, गेमिंग लैपटॉप्स जो है यहाँ पर अच्छे प्राइस है, लेकिन उसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पर कुछ गेमिंग लैपटॉप्स रखे हैं, एसर है, डेल है, एचपी है, एसुस है, और भी इनके पास बहुत सारे लैपटॉप्स है। ये पूरा भाई नया स्टॉक है, और ये जो लैपटॉप्स है ना ये सारे डिस्प्ले वाले लैपटॉप के स्टॉक है, ये नए लैपटॉप्स नहीं है। आपको डब्बा पैक ही मिलेगा और आपको विद वारंटी ऑफिशियल स्टॉक ही मिलेगा। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में भी जल्दी लेके आऊँ जैसे ही मेरे को टाइम मिलता है दोस्तों, बहुत मुश्किल हो गया आजकल टाइम निकालना, नए लैपटॉप मोबाइल आते रहते हैं। ये थी दोस्तों मेरी वीडियो विद विशाल भाई, थैंक यू सो मच विशाल भाई, बाकी व्यूअर्स आपको कॉन्टेक्ट करेंगे, अच्छा प्राइस प्रोवाइड कराना। विद दैट सेड दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई आगे भी इसी टाइप की वीडियो देखना चाहते हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ में जो भी दुबई की ट्रिप प्लान कर रहे हैं या दुबई में रहते हैं, लैपटॉप लेना चाहते हैं। और फिर मैं आपसे मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में।